सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एस पी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स की फिजिक्स बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या टेरिस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो इसका पीडीएफ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला आता है बच्चों, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में है क्या, उसकी क्या क्या थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने। तो एज पर द मोस्ट एस्टेब्लिश थ्योरी, इट इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेयर बाय द वेरियस चार्ज आयन प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट। तो बच्चों, ये सबसे बेस्ट थ्योरी मानी गई थी कि जो आयन्स होते हैं वो मोल्टन स्टेज में किस में पाए जाते हैं बच्चों, इन द कोर ऑफ द अर्थ, ओके, रोटेट एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट। ओके बच्चों, ये सबसे बेस्ट थ्योरी मानी गई थी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। रीज़न क्या था, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न बताया गया था बच्चों। ओके, तो पहला पॉइंट क्या आता है इसके रिलेशन में, कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू वन विच वुड बी ऑब्टेन इफ अ ह्यूज मैग्नेट इज अज्यूम्ड टू बी बरीड डीप इनसाइड द अर्थ एट इट्स सेंटर। तो पहली इसकी जो हाइपोथेसिस थी वो ये कंसिडर की गई थी बच्चों। ओके, दूसरा था बच्चों, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जोग्राफिकल एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको अपन स्पिन एक्सिस भी बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जोग्राफिकल एक्सिस। ये जोग्राफिकल एक्सिस हो गई बच्चों। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जोग्राफिकल एक्सिस एंड द पॉइंट्स वेयर इट कट्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड जोग्राफिकल पोल्स। तो आपको यहाँ दो चीज़ें दिख रही होगी, एक तो नॉर्थ जोग्राफिकल और एक यहाँ पे साउथ जोग्राफिकल। ओके, जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, द सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द जोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये है बच्चों इक्वेटर, ये इक्वेटर है। ओके, अगर आप इसको सर्कल में नोट करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड जोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, अगर आप इसको इजीली देखना चाहते हो तो ये डायग्राम सबसे बेस्ट है बच्चों। तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जोग्राफिकल साउथ पोल है। ओके अच्छा, फिर मैग्नेट के लिए बात करें तो ये नॉर्थ मैग्नेटिकल पोल है बच्चों, जहाँ थीटा कितना होता है 90 डिग्री, और ये साउथ मैग्नेटिकल पोल है, यहाँ पे थीटा कितना होता है बच्चों, -90 डिग्री। ओके, ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये जोग्राफिकल साउथ पोल है, और ये स्पिन एक्सिस है जिसके एक्सिस में ये रोटेट कर रही है। इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, और ये जो होता है बच्चों, ये होता है जोग्राफिकल इक्वेटर। ये लाइन जो है ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये वाली ये है जोग्राफिक इक्वेटर, और ये जो लाइन है बच्चों, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, ये वाली ब्लैक कलर वाली। ओके, आप नोट करोगे बच्चों कि यहां से अगर आप डाउन टू ना जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी कम होती है बच्चों, मतलब सेंटर की तरफ अगर आप जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती है। इस तरह से अगर आप अप से मिडिल में जाओगे तो भी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ओके, फिर आता है द एक्सिस ऑफ द ह्यूज मैग्नेट अज्यूम टू बी लाइंग इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी, नॉर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल। ओके, द पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक एक्सिस कट्स टू द सर्फेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल, जिसको आपने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल बोला। द सर्कल ऑन द अर्थ सर्फेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ये रहा बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, फिर आता द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जोग्राफिकल एक्सिस डोंट कंसाइन बट दे मेकिंग एन एंगल 17.5 डिग्री। बच्चों ये आएगा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 17.5 डिग्री विथ ईच अदर। इसका मतलब ये एंगल ये वाला, अगर आप इस एंगल की बात करो बच्चों, तो ये कंसाइड नहीं है, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 17.5 डिग्री पर है ये। ओके, फिर आता है बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है बच्चों, और एक साउथर्न हेमिस्फेयर होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ इज नॉट कॉन्स्टेंट बट चेंज इज रेगुलरली प्लेस टू प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जैसे आप इस पर देख सकते हो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे 60,000 नैनो टेस्ला है, यहाँ पे 30,000 नैनो टेस्ला है, यहाँ पर वापस 60,000 नैनो टेस्ला है बच्चों। तो एक ही प्लेस पर ये अकॉर्डिंग टू टाइम भी वरी कर सकता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज कर सकता है बच्चों। ओके, सो
एंड इवन इट ए गिवन प्लेस इट वेरीज विद टाइम टू. तो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ, बोले तो ज्योग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ. ओके, इस डायग्राम को आप इजीली नोट कर सकते हो बच्चों, इसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है. पूरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस एक ही डायग्राम से शो हो सकता है जो कि आपको दिख रहा है इजीली. फिर आता है बच्चों अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इसके एलिमेंट कितने कितने हैं. तो एलिमेंट एक्चुअली में है क्या, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस आर कंप्लीटली गिवन बाय थ्री क्वांटिटीज जिसको आप मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं. जनरली थ्री होते हैं बच्चों ये. पहला आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा. सो इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये बच्चों ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये है बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, ये जस्ट लाइक एक कार्ड है, उसको आपने स्विप कर दिया तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है. तो ये जो एंगल है थीटा, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है ये थीटा, इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ओके, अच्छा बच्चों ये बी एच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये बी वी का मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. और ये बी एच और बी वी का जो रिजल्टेंट आ रहा है जिसको आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो या डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों. ओके, फिर इसके अलावा अगर आप देख सकते हो बच्चों मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को और किस तरह से शो कर सकते हैं, ये कुछ जैसे ये कंपास नीडल है बच्चों. तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ हो गया. ओके, अब ये जो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया और ये साउथ वेस्ट हो गया. तो अगर आप ये एंगल देखोगे बच्चों थीटा, ये जैसे मैग्नेटिक नीडल है तो ये जो एंगल बना रही है थीटा, थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट से इसको जनरली शो करते हैं. तो इस डायग्राम को देख के आप इजीली समझ सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है क्या. ओके, इसके अलावा डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज एक्सप्रेस्ड एट थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट पे, इसको आप इसको एक्सप्रेस करते हो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को किसी भी प्लेस पर. जैसे अपन ने यहाँ शो किया बच्चों थीटा डिग्री ईस्ट और थीटा डिग्री वेस्ट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल लाइज टू द ईस्ट और द वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सिस. ये किस पर डिपेंड करता है, ओनली ओनली नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल पर, कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है बच्चों. ओके, फिर आता बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप. सबसे इंपॉर्टेंट यही है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों फाई. तो इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड. बी और बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है फाई, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. तो बी एच और बी के बीच का जो टोटल एंगल है, ये रहा बी एच और ये रहा बी, इसके बीच का जो टोटल एंगल है उसको अपन बोलते हैं बच्चों फाई. ओके, फिर आता थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ओनली एट द मैग्नेटिक इक्वेटर. ये अभी मैं आपको सबको बता दूंगा बच्चों हॉरिजॉन्टल कहाँ होती है, वर्टिकल कहाँ होती है. तो इस लाइन की आपको कोई दिक्कत नहीं है अभी. एट एनी अदर प्लेसेस द टोटल इंटेंसिटी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट. अब बच्चों यहाँ पर जहाँ बेस होगा वहाँ पर बी एच और जहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वहाँ पर बी वर्टिकल. तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में आप इसको रिजोल्व कर सकते हो. ओके, तो बी एच जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी कॉस फाई के, क्योंकि जहाँ बेस वहाँ कॉस होगा, जहाँ परपेंडिकुलर वहाँ साइन होगा. तो इस बी का यहाँ अगर आप कंपोनेंट लोगे, इस बी का यहाँ अगर कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा बी एच, यहाँ अगर कंपोनेंट लोगे तो बी वी. तो ये हो जाएगा बी एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कॉस फाई और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी वी हो जाएगा बी साइन फाई. ओके, जहाँ फाई क्या है बच्चों, एंगल ऑफ डिप है. तो अगर आप दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी. तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, बी एच स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई. इसी तरह से अगर सेकंड स्क्वायर करोगे तो बी वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. ओके बच्चों, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. यहाँ से बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर किसको ऐड करोगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई. तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई तो वन हो जाएगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल आ जाएगा, रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. ओके, अगर आप इनका रेशो लोगे बच्चों बी वी और बी एच का, तो क्या आएगा, बी वी स्क्वायर ओवर बी एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई. ओके, इसका मतलब अगर आप टेन फाई निकालोगे
वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, बी वी बाई बी एच के। ये एंगल ऑफ डिप निकालने का फॉर्मूला है, टेन फाइव विच इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। ओके, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्वेश्चन ये बनता है कि दो मैग्नेट हैं जिनका इक्वल मास दे रखा है, जॉइन एट राइट एंगल टू ईच अदर। मैग्नेट वन हैज मैग्नेटिक मोमेंट थ्री टाइम्स टू द मैग्नेट सेकेंड। इसका मतलब जो एम वन है वो थ्री टाइम्स है किसके, एम टू के। अरेंजमेंट ऑफ फोर्स इज रोटेट टू द इक्विलिब्रियम के बीच में आपको एंगल बताना है मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना बनेगा बच्चों। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो टॉ ड्यू टू एम वन विच इज इक्वल टू टॉ ड्यू टू एम टू हो जाएगा। तो ये एम वन वैक्टर क्रॉस बी वन वैक्टर विच इज इक्वल टू एम टू वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर या बी एच वैक्टर। तो ये हो जाएगा एम वन बी एच साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम टू बी एच। इसके बीच में एंगल कितना बच्चों, 90 माइनस थीटा हो गया ये, तो साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया एम वन बी एच से बी एच कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा ये बन गया कॉस थीटा और ये बन गया साइन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एम टू बाई एम वन के। एम टू कितना, एम वन कितना देगा बच्चों, थ्री एम टू, तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन बाई थ्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर आता बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2017 में डायरेक्टली आया हुआ ये, कि इफ फाई वन एंड फाई टू आर द एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड फाई इज अ ट्रू एंगल डिप। तो फाई का रिलेशन क्या होगा फाई वन और फाई टू में, कॉट स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई टू। ये रिजल्ट आपको डाइजेस्ट करना है अपने बॉडी के अंदर। ओके, फिर आता बच्चों मोर अबाउट एंगल ऑफ डिप। तो इस ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन लेना। तो जैसे पोल्स पे बात करें तो पोल पे क्या होता है बच्चों, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। ये आपको चीज़ याद रखनी है कि पोल्स पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। उस डायग्राम को अगर आप देखोगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वालों को तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब फाई कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। अब अगर आप बी एच की वैल्यू निकालते हो यहाँ पे, तो बी एच किसके इक्वल होता है, बी कॉस फाई के। फाई 90 रखोगे तो ये जीरो आ जाएगा। बी वी किसके इक्वल होता है बच्चों, बी साइन फाई के। फाई 90 रखोगे तो ये बी आ जाएगा। इसका मतलब पोल को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट आउट पोल, द अर्थ हैज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, बी वर्टिकल में ही होता है। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। पैरेलल होगा तो फाई कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप बी एच निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी कॉस फाई के। तो कॉस फाई जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है बच्चों वन। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस कंडीशन में बी वर्टिकल कितना आ जाएगा, बी साइन फाई। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब बी वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेटर को छोड़ दो अगर आप, एक्सेप्ट टू इक्वेटर, अर्थ हैज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। और पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, जीरो होता है। ये दो डायरेक्शन के फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं। ओके, सो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ बच्चों। कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।